और वो काम खत्म करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आप उसको अगले लेवल पे ले जा सकते हो, तो हमारे वहाँ अटल इंक्यूबेशन सेंटर है। तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर में आप जाओ तो वहां पे आपको 50 लाख तक का आपको फंडिंग मिल सकता है, जस्ट टू किक स्टार्ट, कि वो बिजनेस में जाना है तो दैट इज गुड अपॉर्चुनिटी। और उससे आगे अगर आपका कोई बड़ा प्लान है तो 2 करोड़ तक का या 1 करोड़ तक का सीड फंडिंग। सीड फंडिंग का मतलब ये है कि आपको इनिशियल लेवल पे ये फंड देंगे जो आप विथ टाइम वापिस कर सकते हो। लेकिन आप बैंक में जाओ, ये गारंटर वो गारंटर, बहुत सारे लफड़ेबाजी चलते हैं, तो यहाँ पे वो लफड़ेबाजी कम होती है। आपका प्रोजेक्ट अप्रूवल स्टेज यहाँ पे ही होता है और आपको वो फंडिंग मिल सकता है। तो वीजो सर से वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो आइडिया ये है कि आप सारे स्टूडेंट के पास जो भी अच्छे ऐसे प्रोजेक्ट है या आइडिया है, प्रोजेक्ट भी नहीं है जस्ट कॉन्सेप्ट है, तो वो कॉन्सेप्ट लेके उसका प्रूफ लेके आइए कि ये कॉन्सेप्ट में ये लॉजिक लगा के हम जा सकते हैं। और सिर्फ एक छोटा सा फॉर्म भरना है, वो स्क्रूटनी कमिटी में जाता है, स्क्रूटनी कमिटी अप्रूव करती है, तो आपको उसके लिए फंडिंग मिल जाता है इनिशियली 25,000, जो 2 लाख तक जा सकता है। तो आप लोगों के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। और हम लोग चाहते हैं कि आप सारे स्टूडेंट्स को ये बताओ, इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था। अनफॉर्चुनेटली रजिस्टर करने के बाद भी स्टूडेंट नहीं आ पाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे फंडिंग के लिए यहाँ वहाँ घूमते हैं, नहीं मिलता है, और आपके घर पे बैठे बैठे ये मिल रहा है, ये सो यू शुड यूज इट। विजो Yes. Yeah. So, just as Amir sir has already explained to you, okay, अपने आपको very short way में पूरा आपको बता दे दिया already. तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर और थोड़ा ग्लैंस देता हूं, तो कि आपको थोड़ा और इसके ऊपर जानकारी मिलेगा. ठीक है ये आप अपने फ्रेंड्स को बताना। जी सर. तभी देखो अभी क्या है, इवन दो वी हैव आई मीन जितना बार भी हमें कोशिश किया सबको बोलने के लिए भी, इवन वी गॉट ओनली 54 रजिस्ट्रेशन, उसमें से खाली आप तीनों ही आए हैं. तो दैट मींस यू टू थ्री आर एटलीस्ट यू नो इंटरेस्टेड टू नो व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर. आई मीन हमारे यूनिवर्सिटी में क्या क्या सुविधा मिलता है आप एज अ स्टूडेंट. तो अभी एक काम करना, आपको ऐसा है ना, ऐसा स्प्रेड करो कि हमने इसमें शामिल किया था ये वेबिनार में, और ये जानकारी है, और हमारे पास सामने इतने सारे अपॉर्चुनिटी है, घर बैठे बैठे आपका काम हो जाएगा. वो आपको थोड़ा सा बताना है कि जैसे कि अमित सर ऑलरेडी आपको बोल दिया कि हमारे पास यू नो इनोवेशन एंड स्टार्टअप का एक सपोर्ट सिस्टम है. ये सपोर्ट सिस्टम ऐसा नहीं कि हम खाली खुद ही दे रहे, लेकिन ये सपोर्ट सिस्टम ऐसे आता है गवर्नमेंट का, या फिर ये स्टेट गवर्नमेंट होता है, या फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है. हमारे पास तीन सच ऑप्शंस है जहां हमारा स्टूडेंट्स एज वेल एज बाहर का जो लोग होंगे वो भी ले सकता है एक तीनों ऑप्शन में. खाली SSIP खाली हमारे ही स्टूडेंट्स के लिए है, और उससे ज्यादा अगर हमारा स्टूडेंट्स यू नो SSP का कुछ लिमिटेशन होता है, या फिर ये लिमिटेशन के बाहर और थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, तो फिर हम बाकी दोनों एरिया से हम सपोर्ट कर सकते हैं. अभी तक हमारे पास तीन जो सुविधा है, एक तो है SSIP, वो हम बोलते स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी, और दूसरा वी कॉल द IUIC दैट इज आल्सो सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात अंडर द इंडस्ट्रीज कमिश्नरेट. एंड देन वी हैव आई मीन उससे भी बड़ा वाला, लाइक अमित सर ने बोला है कि 2 करोड़ या उसके ऊपर जो भी जाना है, देन हमारे पास अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट से हम कर रहे. तो एंड अगर मैं इसमें बोलूंगा SSIP जो है वो गुजरात में जितना भी इंस्टीट्यूशन है ITI से लेके यूनिवर्सिटी तक सबके पास होगा. ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, वो प्रॉब्लम नहीं क्या बोलते, लिमिटेशन जो है उसका मैक्सिमम फंड होता है खाली 2 लाख तक. अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बाद में आपको उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना है, ज्यादा फंडिंग चाहिए, तो फिर SSIP के पास नहीं होगा, वो हम दूसरा एरिया में जाना पड़ेगा. तो लेकिन ये जो IUIC जो है, आई मीन ये जो इंडस्ट्री कमिश्नर के साथ हमारा इंस्टीट्यूशन नोडल इंस्टीट्यूट का स्टैंडर्ड मिल गया, या फिर वी कैन से स्टेट स्टेटस मिल गया.
नॉर्दर्न इंश्योरेंस चार्टर ऐसा है कि जिस वो भी गुजरात गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है एंड बिकॉज ऑफ द सेम रीजन इट इज ओनली कवर्ड इन गुजरात स्टेट. इसमें क्या है, आउट ऑफ ऑल दिस गुजरात स्टेट में मैक्सिमम 18 सच इंस्टीट्यूशंस यू नो कंसीडर्ड एज नॉर्दर्न इंस्टीट्यूशन अंडर इंडस्ट्रीज कमीशन एंड वी आर वन ऑफ देम. सेम टाइम व्हेन अगर आप हमने AIC का बात करेंगे, इसमें पूरा इंडिया में 124 AIC से एंड हमारा एक है. और ये भी यू नो जानकारी है अब मैं देता हूँ आपको, पूरा गुजरात में कारी चार ही AIC से, उसमें तीन तो अहमदाबाद में, एक हमारा महसाना वो हमारा है. और उससे आगे अगर देखेगा कि पूरा इंडिया में ओनली वन प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैज गॉट दिस स्टेटस. तो अब अभी आपको मालूम पड़ेगा कि कितना यू नो अच्छे अपॉर्चुनिटीज हमारे ऊपर में सामने ही है और हम उसका सुविधा नहीं ले रहे. तो अभी ये जो जानकारी दे रहा हूँ सो दैट यू नो इन केस आपके मन में ऐसा कुछ आइडिया है या कुछ POC है, अगर आइडिया भी चलेगा आप आइडिया लेके आ जाओ, POC हम बाद में करेंगे, तो हम यू नो आपको सपोर्ट कर सकते ये कैसे आगे बढ़ाने के लिए. तो जब मैं आपको अभी थोड़ा सा ज्यादा जानकारी देता हूँ SSIP के ऊपर, बिकॉज दैट इज व्हाट रियली रिक्वायर्ड फॉर अस. सो SSIP एक्सेस स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी विच इज बीन सपोर्टेड बाय द गुजरात नॉलेज सोसाइटी एज द पार्ट ऑफ गुजरात गवर्नमेंट एंड इट इज एक्चुअली सपोर्टिंग ओनली द स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन. दैट मीन्स द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीिंग इन अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन कैन बी रजिस्टर्ड अंडर दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन. वी कैन नॉट आई मीन वो एक इंस्टीट्यूशन का स्टूडेंट जो है वो दूसरा इंस्टीट्यूशन में जाके रजिस्टर नहीं कर पाएगा. वो जो यूनिवर्सिटी में या जो इंस्टीट्यूट में पढ़ता है वहीं उसको रजिस्टर करना पड़ता है. और दूसरा क्या है, इसमें ऐसा नहीं कि आपके पास हर बार एक टीम चाहिए. इसमें एक अगर एक ही बंदा है वो भी चलेगा, या फिर एक ग्रुप आपका जो फ्रेंड सर्कल भी चलेगा. ऐसा भी नहीं है कि ये फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए कि सेम डिपार्टमेंट या सेम डोमेन में चाहिए, ऐसा भी नहीं है. इट कैन बी क्रॉस और इनर डिसिप्लिन यू नो डोमेन, नॉट ए प्रॉब्लम. बट वो उसके बाद उसको वैलिडेट करने के लिए हम एक मेंटर फैकल्टी को असाइन करेगा, उसके ऊपर पूरा आपका प्रेजेंटेशन है या जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सब वैलिडेट करके वो फैकल्टी हमको बताएगा हाँ ये जो प्रोजेक्ट आगे जाने वाला है इस हमको सपोर्ट करना है. ठीक है, तो ये जो सपोर्ट कैसे मिलेगा, वो जो आइडिएशन से मतलब आपके पास आइडिया हो तो वहां से लेके इसको एक पायलट प्रोडक्ट या पायलट सर्विस या पायलट प्रोसेस बनाने तक आपका सपोर्ट करेगा. ठीक है, और इसमें क्या है, अगर आपको ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आएगा तो फिर देयर आर कपल ऑफ स्क्रूटनी कमिटी या फिर हम बोल सकते हैं गवर्निंग बॉडीज बोल सकते हैं, उन लोग अप्रूवल चाहिए हर चीज में, उसके हिसाब से आपका सपोर्ट मिलेगा. वेदर इट इज यू नो फिनेंशियल सपोर्ट या फिर मेंडल सपोर्ट या फिर मार्केटिंग सपोर्ट, जो भी हो ये जो गवर्निंग बॉडीज है वो आपका रिक्वेस्ट का या एप्लीकेशन का अप्रूवल करके आगे बढ़ते हैं. जिसमें पहला चीज जो है वो मेंडल फैकल्टीज है. अगर आपके आपके पास एक मेंडर को जोड़ जाएगा, वो मेंडर जो करता है आपका जितना भी आप वो जो आइडिया लेके आते हैं या फिर कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जो भी हो वो वैलिडेट करके वो पहले अप्रूव करेगा कि हाँ ये अभी ये स्टेज में जा सकते हैं. तो वो एक बार आएगा, वो आएगा हमारे SSIP हमारे यूनिवर्सिटी का इंटरनल पीपल है, उसके अंदर आएगा स्क्रीनिंग कमेटी में आएगा SSIP कमेटी बोल के, तो उसमें हम पास करेगा कि हाँ ये इसको इतना सैंक्शन कर सकते हैं, एट दिस लेवल इतना देंगे, इतना फेस बाय फेस इतना दे सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट. सो मैक्सिमम अप टू 2 लाख तक आपको मिल जाएगा. अगर इसमें स्क्रूटनी करते वक्त अगर हमको मालूम पड़ गया कि इसका जो प्रोजेक्ट है या जो आइडिया है अभी तक किसी के पास नहीं है, तो फिर उसको हम एक IPR फाइल कर सकते हैं. IPR मतलब आपको ट्रेडमार्क या फिर पेटेंट जो भी हो उसके ऊपर हम फाइल कर सकते हैं, ताकि कोई और आपका जो आइडिया को लेके
दोबारा कुछ नहीं करेगा, या फिर करेगा तो फिर आपको रॉयल्टी देने पड़ते हैं, ऐसा स्टेट में हम जा सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर हाँ अभी हमने बोला कि 2 लाख का जो है सीलिंग है या फिर आर्टिकल अप टू 2 लाख तक, वो जो क्या है हमारा इंटरनल कमिटी को यू नो अप्रूव कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा देखा है 2 लाख के भी ऊपर लाइक 3 लाख या 5 लाख देना है, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लेके आएगा यू नो उसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा होता है या फिर उसमें कंज्यूमर थोड़ा ज्यादा लेना पड़ता है या फिर उसको कुछ ऐसी टाइप का इक्विपमेंट्स चाहिए, उसके उसमें क्या आता है इसको फिर उसको ज्यादा फंड मिलना चाहिए, तो ऐसा कुछ चीज है तो हम ये इंटरनल जो कमिटी है उसको थोड़ा सा रैशनल करके वी कैन सेंड टू दी एसएसआईपी स्टेट लेवल कमिटी, तो जो है हमारे लोकल स्टेट लेवल कमिटी जो तो है उसमें हम डाल सकते हैं, तो फिर वो आपको जो जितना भी ये जो 2 लाख ऊपर जो चाहिए वो आपको अप्रूव करेगा। तो अभी आप समझ में आ गया कि कितना मैक्सिमम सीड फंड और ग्रांट हमको मिल सकता है, ये जो 2 लाख सीड ग्रांट है ताकि आपको वापस नहीं देने का है, वो आपको डिफरेंट फेस में आपको फेस टू फेस आपको जितना जो मिलेगा वो मिलेगा। पहला जो फेस है आपको 25 मिलेगा, उसके बाद भी 25 मिलेगा, उसके बाद डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट दैट यू हैव, आपको उसके ऊपर जो मिलेगा वो इनर कमिटी विल डिसाइड हाउ मच हैज टू बी रिलीज्ड, डिपेंड्स ऑन योर सबमिशन ऑफ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। यूटिलाइज सर्टिफिकेट माने कि अगर आपको पहले 25,000 मिल गया तो उसके बाद हर क्वार्टर और फिर एक बार उसने आपने हमने यूज किया है और यूटिलाइज किया है तो उसका वो जो ब्रेकअप जो है जिसके चीज के लिए आपने कितना स्पेंड किया है वो जो थोड़ा सा एक फॉर्मेट है हमारे पास वो आप हमको भेजेंगे, आपको खाली उसमें फिलअप करके वो वापस भेजना है सो दैट द नेक्स्ट ट्रेंच कैन बी गिवन टू यू। ठीक है, सो इवन दो 2 लाख आपको एक साथ जो सैंक्शन एक ही बार होता है 2 लाख या 1 लाख जो भी हो, लेकिन जो 2 लाख जो है वो आपको 4 इंस्टॉलमेंट या 2 इंस्टॉलमेंट या 3 इंस्टॉलमेंट ऐसे मिलेगा, डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट एंड डिपेंड्स ऑन द रिपोर्ट दैट यू सबमिट अलोंग विद द यूटिलिटी सर्टिफिकेट। नाउ देयर इज वन मोर सपोर्ट दैट वी कैन सी द आईपीआर सपोर्ट। अगर आपको ऐसा कुछ मैंने बोला है कि नया कुछ आइडिया है या कुछ प्रोजेक्ट ऐसा है कि किसी के पास नहीं है तो हमको पेटेंट फाइल कर सकते हैं, जो भी हो उसके लिए हम 25,000 भी इसमें से utilize it. अगर ऐसा भी है कि कुछ आपका आइडिया बहुत अच्छा आइडिया है वो स्टेट लेवल या नेशनल लेवल प्रेजेंट करना है तो भी इसमें से हम सपोर्ट कर सकते हैं, जो ट्रैवलिंग कॉस्ट जो होता है हम उसको सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम ये जो नॉर्मल जो सीलिंग है वो जो 2 लाख 25 लाख ऐसा ऐसा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उन लोगों ने अभी एक नया स्पेशल फ्रेंड सपोर्ट लेके आ गया, ये एक्चुअली क्या है वुमेन इनोवेटर्स के लिए, इन द सेंस ऐसा नहीं कि खाली वो जो टीम वुमेन टीम आना चाहिए ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा बोल गया कि अगर एक ग्रुप है वो ग्रुप में कम से कम द लीडिंग फाउंडर या फिर एक को फाउंडर वो एक लेडी होना चाहिए, उसके साथ साथ मेल भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो वुमेन इनोवेटर वो ऐसे क्या बोलते मानते हैं कि एटलीस्ट टीम में एक लेडी होना चाहिए, उसका को फाउंडर का या फाउंडर का ये चाहिए स्टेटस चाहिए, तो वो मानते हैं ये एक वुमेन लेड प्रोग्राम और वुमेन लेड प्रोजेक्ट है, तो ये कम अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। उसमें क्या है अभी 200 करोड़ तक the special support has been announced by the government of Gujarat to support from the ideation to the event to the scaling stage and supporting both state and national level. Now, agar aapko ye jo paisa mil jayega wo sanction mil jayega isme ek bhi ek condition hai ki 75% portion of that particular thing has to use for the purchase of the tools or raw materials or consumables or chota chota electric work ya jo bhi ho kuch kaam hota hai wo jo working space pe wo aap kar sakte hain, aur 25% maximum you can give to any mandors, mandors in the sense external mandors, aap agar humko bahar se kisi
वेंडर को लेना आता है तो भी क्या होता है उनका कभी कभी अगर उनको इधर आना चाहिए देन उनका अप एंड डाउन का ट्रैवलिंग कॉस्ट लेना पड़ता है या फिर उन लोगों ने कुछ हॉनरेरियम पूछेगा तो वो जो करना पड़ेगा वो हम ये जो सैंक्शन अमाउंट से 25,000 सॉरी 25% ही हम यूज कर सकते हैं मैक्सिमम ऑफ 50,000 रुपीज. ओके और ये भी है कि अगर आपको ऐसे देना है वो भी इनिशियल फर्स्ट सेटिंग में नहीं देगा हम तीसरा सेटिंग्स ऑनवर्ड्स उसका दे सकते हैं उससे ज्यादा आई मीन उससे पहले हम नहीं दे सकते. तो ये है कि आप और मेंडर के साथ थोड़ा बॉन्डिंग होना चाहिए और उसके बाद मेंडर को भी ऐसा लगना चाहिए कि हाँ हमारा सपोर्ट इनको बहुत चाहिए आगे जाके आप भी बड़ा करेगा तो वो जो बॉन्डिंग हो जाता है वो एक या दो सिटिंग में ही होता है. तो अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोजेक्ट एंड हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड उसके बाद ही उनका प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा तभी आपको उसको पैसा देने आप ठीक है. और ये एलिजिबिलिटी जो है कि इधर प्रोजेक्ट टीम जो है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अगर ग्रुप बोलते हैं तो एक कम से कम दो या फिर इवन सिंगल स्टूडेंट अलोंग विद द मेंटर मेंटर फैकल्टी हैज टू बी देयर यो और वी कैन बी मैक्सिमम 4 स्टूडेंट्स एंड 1 मेंटर फैकल्टी हैज टू बी देयर ठीक है. तो उसके बाद ये आपका जो प्रोजेक्ट एप्लीकेशन जो है रिक्वेस्ट जो है वो हमारे इंटरनल और यूनिवर्सिटी लेवल एसएसएफबी कमेटी नो अप्रूव करना पड़ता है. तो जो अप्रूवल कैसे आएगा वो पूरा आपका प्रोजेक्ट के डिपेंड वो प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए कि विच कुछ नॉवल आइडिया हो उसके अंदर प्रोडक्ट होगा या फिर प्रोसेस होगा या सर्विस हो जो भी हो हम उसके अंदर डाल सकते हैं. ऐसा नहीं कि आपके पास पूरा एक टैंजिबल प्रोजेक्ट ही होना चाहिए ऐसा भी नहीं है सॉरी प्रोडक्ट ही होना चाहिए ऐसा भी नहीं है. आपको भी एक प्रोसेस के ऊपर अगर आपके पास एक कुछ नया आइडिया है वो प्रोसेस अगर कुछ कंपनी फॉलो करेगा तो उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा या उसका कॉस्टिंग में थोड़ा आई मीन फर्क पड़ जाएगा तो उसमें क्या है वो प्रोसेस आल्सो कैन बी कंसिडर एज अ नॉवल आइडिया. और कैन बी कुछ मीन सम काइंड ऑफ सर्विसेज दैट यू आर प्रोवाइडिंग टू अ पर्टिकुलर यू नो पीपल into in taking into mind maybe rural people or women centric people or physically you know challenged people jo bhi ho to social impact ke liye aisa kuch services hai uske sath sath technology involved to wo bhi hum you know ek naya startup jaisa ya fir naya project jaisa aap soch sakte hain. aur fir aapke paas jo ya good business plan bhi hona chahiye agar ye project aage jaake aapko ek business mein convert karna hai to aapke paas thoda sa plan hona chahiye. ये जो प्लान जो है आप आइडिया लेके आएगा तो आपका मेंडर से भी बात करके बाद में आप प्लान बना सकते हैं. और उसके साथ आपका ये भी होना चाहिए कि फंडिंग सोर्सेस कहाँ कहाँ से ये जो फंडिंग होना चाहिए ये प्रोजेक्ट के लिए और उसके बाद हमारे पास कुछ रेवेन्यू प्लान है क्या नहीं आई मीन आपका कैसा रेवेन्यू मिलेगा ये प्रोजेक्ट के लिए ये दोनों थोड़ा सा आप देखना पड़ेगा. उसके बाद हम एक अच्छे से एक पिचिंग वीडियो और पिचिंग स्लाइड्स यू कैन मेक इट. नाउ द प्रोसेस इज एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू बट स्टिल आई एम जस्ट वंस अगेन लिटिल बिट यू नो टू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली. फर्स्ट थिंग इज द प्रोजेक्ट ग्रुप एज वी ऑलरेडी डिसाइडेड विच हैविंग टू और मोर स्टूडेंट्स विद वन फैकल्टी विल बी हैविंग एन आइडिया और कैन बी अ प्रोजेक्ट और कैन बी यू ऑलरेडी कम टू अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लेवल तक नो प्रॉब्लम यू कैन कम आउट. So that will be validated by the mentor faculty who's been assigned to your project. Uske baad, or even sometimes the mentor can reject it in the sense that okay, it's not up to the stage of going for a project mode of SSIP. So that he can give some suggestions and give back, which you can further you can sit with the mentor or maybe other people around, and then you can fix say thoda or you know jada karke aur thoda. पॉलिश करके आ सकते हैं कि हाँ अभी ये जो एसएसआईपी का कैटेगरी में आ सकते हैं. तो उसके बाद वो आ गया जो मेंटर वैलिडेट कर दिया अप्रूवल कर दिया तो फिर वो आएगा हमारा इंटरनल कमिटी में वो फिर आपको कॉल करेगा एक प्रेजेंटेशन के लिए छोटा सा प्रेजेंटेशन के लिए वो उसके बाद आपका अप्रूवल आएगा और विल गिव अ सैंक्शन ऑर्डर बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट. एंड अगर उसके व्हेन यू आर यू नो प्रेजेंटिंग एंड ऑल दोस थिंग्स व्हेन यू फाइंड आउट अगर ये जो यूनिक आइडिया है आपके पास तो देन आपको ये पेटेंट फाइलिंग के लिए सपोर्ट करेगा. ये सब होने पे हर मंथ आपको एक रिपोर्ट हमको भेजना पड़ता है क्योंकि ये जो रिपोर्ट हमको आगे
एसएसआईपी स्टेट लेवल में भी सबमिट करना पड़ता है। तो ये जो मॉनिटरिंग एंड रिव्यू होता रहता है, हर महीने में होता रहता है। अगर इसके बीच में अगर कुछ चीज आपको ज्यादा करवाना है या कराना है, जो भी हो, वो हम आपका सपोर्ट करेंगे, उसके हिसाब से वो आगे ही बढ़ना है। अगर आपका मेंडर्स को ऐड करना है और मेंडर्स को ऐड करना है, वो हम ऐड करेंगे। उसके बाद वो फाइनली व्हाट एवर दैट गोल्स दैट यू सेट इन द बिगिनिंग स्टेज, इट हैज टू बी अचीव्ड। सो एक बार आपको जो अचीव हो गया, देन उसका एक्सिट हो गया। नाउ एक्सिट होने में ऐसा भी नहीं कि एक ही बार आप किया है तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। एक बार हो गया तो फिर आपको दूसरा कुछ आइडिया है, वो भी फिर से आप लेके आ सकते हैं, एंड वो भी सेपरेट एक प्रोजेक्ट आईडी बना के, वो प्रोजेक्ट आईडी में दोबारा, नॉट दोबारा, वी कैन से सेपरेट प्रोजेक्ट, वो सेपरेट प्रोजेक्ट यू कैन कंटिन्यू विद द सेम टीम और मे बी डिफरेंट टीम। ठीक है, अगर ऐसे ही बोला, हमने अभी बोला ही जो एसएसआईपी का जो लिमिटेशन जो है, अगर हम देख रहे हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट थोड़ा आगे जाना है, थोड़ा एक्सेलरेट करना है बियॉन्ड एसएसआईपी का जो लिमिटेशंस, तो फिर हमारे पास टू अदर ऑप्शंस हैं। मैंने जो बोल दिया है, जो आईयूआईसी जो है सपोर्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री कमिश्नरेट, वो हमको 30 लाख तक सपोर्ट करता है या फिर 40 लाख तक। ये 40 लाख मैंने, अगर आपका जो प्रोजेक्ट है जो थोड़ा सा सोशल इम्पैक्ट करेगा लाइवलीहुड में, तो वो एडिशनल 10 लाख आएगा, तो टोटल 40 लाख हो जाएगा। या फिर उससे भी ज्यादा चाहिए कि 1 करोड़ तक जो है, या 2 करोड़ का जो चाहिए, इवन मोर देन दैट, वन डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट। तो फिर हमारे पास AAC फाउंडेशंस हैं। नाउ ये जो सपोर्ट हमने जो बोलता है, ये सब एक्चुअली जैसे अमित शाह ने आपको बोल दिया है कि फंडिंग ज्यादा, अगर आप बैंक में जाए, बैंगलोर में जाएगा, वो सारे डॉक्यूमेंट पूछेगा, ये पूछेगा, वो पूछेगा, वो सारे होता है। एंड उसके बाद रिटर्नेबल इज वेरी क्रूशियल। अगर आप इसमें है जाएगा, वो रिटर्नेबल इज डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द लोकल सेलेक्शन स्क्रीनिंग कमिटी एंड यू, एंड द डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम होता है। तो एक थोड़ा सा जानकारी आपको देता हूँ, ऐसे मैंने ऑलरेडी बोल दिया आपको AAC एंड IUIC के बारे में। तो आई मीन दिस इज द स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दोस थिंग्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंड जो भी हो, वेदर SSIP, AAC और IUIC जो भी हो, आपके पास एक सेपरेट स्पेस मिलेगा काम करने के लिए। और अगर आपको कुछ लैब में काम करना है, वो हमारा लैब में भी हम काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके खाली आप ही अकेला कुछ करना है, ऐसा भी नहीं है। लैब में भी हम सपोर्ट करेंगे, और इवन ऑफिस स्पेस में भी हम सपोर्ट करेंगे, सो दैट यू विल गेट एस एक्स्ट्रा स्पेस और एक्स्ट्रा टाइम दैट यू कैन स्पेंड अलोंग विद योर अदर कोकरिकुलर एक्टिविटीज। नाउ अभी आपके सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, एक तो है हमने ऑलरेडी स्टार्टेड एक आइडिया तो, विच इज द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 25 फरवरी। अगर आपके पास ऐसा कुछ आइडिया भी है, वो आप एक थोड़ा सा फॉर्मेट में बना के कुछ एप्लीकेशन जो है उसमें आप डाल सकते हैं, ठीक है। एंड इसका स्क्रीनिंग हम स्टार्ट करते हैं 27 फरवरी को टिल 13 मार्च, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एप्लीकेशन दैट वी हैव, बिकॉज ये जो 1-to-1 करना पड़ता है, तो एक ही दिन में नहीं हो पाएगा अगर हमारे पास ज्यादा एप्लीकेशन आ गया तो। उसके बाद हम उस सबको, वो सेलेक्टेड प्रोजेक्ट्स को या सेलेक्टेड टीम विल टेक इट ऑन बोर्ड ऑन 23rd। दिस इज कमिंग डायरेक्टली अंडर द AAC या इवन SSIP, डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट, वी विल डिसाइड इट। और दूसरा क्या है, द सपोर्ट, एस मैंने बोला, ये जो SSIP का वुमेन इनोवेटर सपोर्ट, स्पेशल सपोर्ट जो है, दे ऑलरेडी प्लान टू हैव ए वुमेन स्टार्टअप मीट ऑन 8th of March, बीइंग द वर्ल्ड वुमेन्स डे, सो दैट डे दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू फोकस दिस पिचिंग डे, स्क्रीनिंग डे, and then from there they will select who are the people who can be supported from the total quantum of support of 200 crore. And this is actually, the plan is to give a platform for women innovative startups to showcase there and get facilitated at state level. That when there is a small application and that we need to fill up under this registration link, which I can send you. When if you are interested, you can approach me, I can send you. And but the thing is that the last date of application is 18th February.
और लास्ट बट नॉट लीस्ट वी आर ऑल्सो कॉलिंग द स्टार्टअप कॉन्टेस्ट फ्रॉम यू नो आवर स्टूडेंट्स एज वेल एज अदर इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स that we are scheduled on 27th February based on the National Science Day. So it can be the students, the application can be from the students or even any other people who are already having a company or maybe trying to register as a company. They also can apply, and the application has to come before 25th of February. So that we can give enough room for you to get some, you know, preparation mode for creating your presentations on 27th. Iska bhi screening we will do on 27th. Okay, so now I'm giving to you. If you have any more questions, you can ask me. Hello, sir. Hello. Yes, you are asking something. So, can we apply multiple projects at once, means if I am having more than one idea? Amish bhai, aap mute mein. Vijay, ye puch raha hai ki ek se zyada idea apply kar sakte hai kya? Dekho, we can say at that moment, as a project, if you look at under SSIP, you can go only one idea at a time. Okay, एक बार वो आइडिया हो गया, then we can take the next idea, not a problem. But if you are coming with such thing, one or two things together, you can be a part of SSIP for one idea, but the rest of the thing you can still put it under the AIC, not a problem. Okay, thank you. Vijay bhai. Yeah. अगर आइडिया materialize नहीं हुआ तो. हाँ. SSIP में कुछ प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं हो गया तो नहीं हो गया. इवन स्टार्टअप में भी ऐसा नहीं कि मतलब ऑल द स्टार्टअप्स इज गोइंग टू बी मटेरियलाइज्ड, मींस द पर्सन वुड नॉट हैव टू रिटर्न द मनी. ने नो, इफ एनी अमाउंट वी आर गिविंग एज अ ग्रांट इन एड, नो नीड टू रिटर्न. ओके, बट इफ इट इज एनी अ बिग सीड फंड, देन इट इज देयर इज अ ऑब्लिगेशन फ्रॉम द स्टार्टअप दैट दे नीड टू गिव इट बैक. ओके, बिकॉज़ दैट्स अ बिग बिग अमाउंट. या I think if there is no further question, then we can request परवेज अंकित दारा दैट आपके दोस्त सब सारे स्टूडेंट्स हैं, उनमें ये मैसेज आप दे सकते हो और उनको बताओ कि क्या फायदा है. और आपने देख लिया कि आपको घर पे बैठे ये सारी चीजें मिल रही है, मतलब जो एंटरप्रेन्योर स्किल है या आपको अपना प्रोडक्ट है, अपना कोई आइडिया है, इनोवेशन है, तो उसके लिए काफी सारी इंफॉर्मेशन, काफी सारी डिटेल, फंड, नेटवर्क, रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें एक जगह मिल रही है. So we wish you percolate the message, or कोई भी problem हो, you can come and you can discuss with Vijay sir. He is available on campus. Yes sir. Sir, हाँ परवेज. Sir, जैसे कि मेरा ये है question, मतलब ideas ये, but ये नहीं पता right है या wrong, कि मतलब जैसे paper है, हम लोग अब क्या कर रहे हैं, paper को recycle करते हैं sir. But मेरा ये मानना है कि जैसे पेपर यूज कर लिया हमने, तो उसको मतलब जैसे एग्जांपल के लिए एक नोटबुक है, वो हमने कंप्लीट कर ली, तो उसको मतलब रिसाइकलिंग हो सकती है उसकी या नहीं? क्योंकि रिसाइकलिंग करने में मतलब वन या टू प्रोसेस करनी पड़ती है, तो वो कम अगर हो जाए तो उससे बहुत बेनिफिट होगा ना. ट्रीज कम कटेंगे हमारे, सबसे इको फ्रेंडली हो जाएंगे हम ज्यादा. आप जो बता रहे ना परवेज, उसमें ऐसा है, आप अपनी वो प्रोसेस लेके आएंगे एंड दैट प्रोसेस विल बी कंपेयर्ड विद द एग्जिस्टिंग प्रोसेस. अगर इंडस्ट्री को देखो, इंडस्ट्री है ना, सिर्फ पैसा, सबसे पहले पैसा देखेगी. उसको 10 रुपये का भी फायदा हो रहा है तो डेफिनेटली वो आपकी प्रोसेस पे जाएगी. तो अगर आपकी प्रोसेस, आपके पास कॉन्सेप्ट है कि ऐसे जा सकते हैं और इससे खर्चा कम हो सकता है,
So you can always try for that. You can go with the startup. Okay. Thank you. तो उसका जो प्रूफ है कॉन्सेप्ट है ना, तो कॉन्सेप्ट के लिए जो लिटरेचर रिव्यू या मार्केट सर्वे चाहिए, तो इनिशियल लेवल वर्क जो है ना उसके लिए आप एक बार चाहो तो विजो से मिल लो या हमसे मिल लो आके, और फिर आप प्रपोज कर लो उसके ऊपर. ओके सर. है ना, तो जितने मतलब अभी क्या है कि इंजीनियरिंग में तो सारे स्टूडेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं कॉम्प्यूटर केमिकल मैकेनिकल तीनों में. So they can come up with their project, they can come up with their idea, और उसके साथ ही आगे जा सकते हैं. जैसे मैकेनिकल में 3D पे काम कर रहे हैं तो उस पर स्टार्टअप कर सकते हैं ना वो. Yes, sir. बस तो आइडिया वही है कि आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है वो लेके आइए और आप काम कर सकते हैं आगे. रिसोर्सिस पैसे का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पैसे देने के लिए ही पड़े हैं वो समझ लो आप, हमें तो देना ही है, बस आप आइडिया लेके आओ. Yes, sir. And okay, if there is no further question, I think Vijay, we can close then. Sure. Okay, thank you, Ankit, Dara, Parvez, for your time. Thank you, sir. Thank you all, and would like to meet you all personally at campus if you have more stories and you know ideas. Yes, how to take it further. Maybe tomorrow, sir. Sure, sure. Oh, thank you, sir. Welcome. Daivat, we can close now. Okay, sir.